आज की रेसिपी है एयर फ्रायर में बनने वाली रेसिपी, जो बहुत इजी तरीके से मैंने बनाई है और बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग आज एयर फ्रायर में सैंडविच। इसके लिए मैं ली थी वाइट ब्रेड, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, और थोड़ी सी बटर और थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर थी, हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट लेना है। और मैंने थोड़ा सा गाजर को कट करके रखा था, दो हरी मिर्च थी उसको मैं कट की थी। पहले बटर को लगा लेना है ब्रेड में, उसके बाद टमाटर सॉस को लगा देना है ब्रेड के ऊपर अच्छे से। गाजर और हरी मिर्च को जो मैं कट करके रखी थी उसको मैंने उसपे स्प्रेड कर लिया। फिर दो तीन पिंच रेड चिल्ली पाउडर और दो तीन पिंच ब्लैक सॉल्ट को डालना है। और इसमें मैं स्लाइस चीज़ ली थी, सैंडविच बनाने के लिए स्लाइस चीज़ काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि पिज़्ज़ा में हम लोग कट करके चीज़ डाल सकते हैं लेकिन या ग्रेड करके, लेकिन इसमें स्लाइस चीज़ जो होता है जो सैंडविच के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हमें एयर फ्रायर में सैंडविच बहुत ही इंस्टेंट बनता है, ये 6 मिनट में बन जाता है, बहुत इंस्टेंट, और ये काफ़ी क्रंची होता है, लेकिन एयर फ्रायर में बनाने से काफ़ी क्रंची हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही क्रंची हो जाएगा। और सैंडविच बनाते वक्त एयर फ्रायर को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, इसमें जो बनाते हैं हम लोग एयर फ्रायर में बनाते हैं सैंडविच, हो तो वो जो बर्तन होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, तो निकालते वक्त या पलटते वक्त ध्यान से बनाइएगा। और भी इसमें रेसिपीज़ बनती है एयर फ्रायर में, तो मैं और भी रेसिपीज़ को शेयर करूँगी। अगर हेल्थ के हिसाब से हम लोग देखें तो एयर फ्रायर काफ़ी अच्छा है। एयर फ्रायर का एक फ़ायदा और है कि अगर हम लोग कुछ भी गर्म करना चाहें तो ये फटाफट गर्म हो जाता है, रोटी या समोसे वगैरह कुछ भी अगर मार्केट से लाए हैं और ठंडा हो चुका है तो एयर फ्रायर में डालकर बिल्कुल इंस्टेंट 3-4 मिनट में बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाता है। फिर स्लाइस चीज़ को रख दें ब्रेड के ऊपर, और उसके ऊपर से एक और ब्रेड रखें, और फिर अपने हाथों से उसको प्रेस कर दें। हाथों से प्रेस इसलिए करते हैं कि वो अलग अलग ना हो जाए पलटते वक्त, इसलिए थोड़ा हाथों से प्रेस कर दें। सैंडविच को 180 डिग्री पे पकाना है, और मैं 6 मिनट के लिए इसका टाइमर सेट की हूँ, और इसको हम लोग बीच में खोल कर देख सकते हैं। तो इसका जो मैं टाइमर सेट की हूँ वो बिल्कुल भी गड़बड़ाएगा नहीं, जो सेट की हूँ ऑफ होने के बाद ही वो बंद होगा, तो हम लोग इसको खोल के भी देख सकते हैं। अगर लग रहा है कि जल रहा है तो इसको खोल के आप चेक कर सकते हो। एयर फ्रायर में फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, समोसा और केक्स वगैरह जो भी है, जो भी उसमें बना सकते हैं रेसिपी, सबकी पिक्चर्स उसमें दी हुई है, आपको जो बनानी है उसके अनुसार आप उस पिक्चर पर जाके अपना टाइमर सेट कर लीजिए। सैंडविच के लिए मैंने 6 मिनट का टाइमर लगाया था, तो जब ये 3 मिनट हो जाए तो इसको पलट लेना है। और सैंडविच को 6 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्रंची हो जाएगा और जल भी जाएगा। और अगर थोड़ा सा अगर करना है हल्का, अगर ज़्यादा क्रंची नहीं चाहिए तो 4 मिनट में ये पक जाता है, लेकिन ब्राउन नहीं होगा, लेकिन टेस्ट अच्छा आएगा इसका। और ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, इसमें अगर चाहें तो बटर को नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि एयर फ्रायर का मतलब ही होता है ऑयल फ्री, तो अगर इसको चाहें तो बटर, घी कुछ भी बिना लगाए भी इसको बनाया जा सकता है सैंडविच, और सैंडविच में और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं हम लोग। इसको बच्चों के टिफ़िन में, स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में आराम से दे सकते हैं, और बनाना बहुत ही इजी है, सिर्फ जो प्रिपेयर करने में टाइम लगता है वेजिटेबल्स कट करने में या जो भी है, लेकिन बनाना बहुत ही ईजी है। इसको सैंडविच बन चुका है, ऑफ हो चुका है ये, अभी इसको निकाल के हम लोग कट करेंगे। देखिए कितना क्रंची है ये, तो इसको 6 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत पकाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट बार में एयर फ्रायर की और भी रेसिपीज़ और न्यू रेसिपीज़ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे कृष्णा।